सौभाग्यशाली हैं कि परम भागवत और जिनका हृदय और जिनकी वाणी प्रेम रस से सदा परिपूरित बनी रहती है, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री गौरदास जी महाराज कृपा करके पधारे और आज श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की जयंती के अत्यंत पुनीत अवसर पर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के प्रथम प्रधान शिष्य उद्धवावतार श्री सूरदास जी का श्रेयस और आचार्य श्रेयस गाकर के आज ठाकुर श्रीनाथ जी को आपने रिझा लिया। ये वैशाख मास, इसकी पौराणिक महिमा तो बहुत अधिक है। मैंने सभी मासों का महात्म्य पुराणों में वर्णन है, उसमें स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वैशाख मास का विशेष महात्म्य है। चैत्र पूर्णिमा से ही वैशाख स्नान आरंभ हो जाता है और वैशाखी पूर्णिमा तक चलता है। चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक लगातार उत्सव होते हैं। अब देखिए, चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती, फिर वैशाख कृष्ण पंचमी को श्री मनुदास जी की जयंती, फिर इसके बाद वैशाख कृष्ण अष्टमी पर शीतला जयंती, पर वैशाख कृष्ण प्रतिपदा पर श्री कूर्म जयंती। दस अवतारों में कच्छप अवतार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन है, कूर्मावतार। तो पहले कच्छप जयंती, फिर श्री मलुकदास जी की जयंती, फिर शीतला जयंती, और इसके बाद वैशाख कृष्ण एकादशी वरुथी एकादशी को वैश्वानर अवतार श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की जयंती, और फिर वैशाख अमावस्या को श्री सुखदेव जी महाराज की जयंती है जी, श्री गदाधर प्रभु की भी जयंती है, और श्री सुखदेव जी महाराज की प्राकट्य तिथि है, सुखदेव जी की जयंती है, और फिर वैशाख शुक्ला तृतीया को श्री परशुराम जी की जयंती और श्री नरनारायण भगवान की जयंती। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्व से वैशाख शुक्ला तृतीया को ही भगवान नरनारायण प्रकट हुए, इसलिए भगवान के प्राकट्य तिथि होने से अक्षय तृतीया को ही बद्रीनाथ जी के कपाट खोलते हैं, उस दिन उनके दर्शन की विशेष महिमा। और त्रेता युग की जयंती, तो वैशाख शुक्ला पंचमी को श्री सूरदास जी की जयंती और श्री आदिशंकराचार्य भगवान की जयंती, फिर वैशाख शुक्ला षष्ठी को शेषावतार श्री भाष्यकार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती, और फिर वैशाख शुक्ला एकादशी को, हाँ नवमी को, वैशाख शुक्ला नवमी को श्री जानकी जी की प्राकट्य की तिथि, जानकी नवमी, और फिर वैशाख शुक्ला एकादशी को महाप्रभु श्री हितवंश जी की जयंती, और इसके बाद पूर्णिमा को फिर भगवान बुद्ध की जयंती, और चतुर्दशी को भगवान नृसिंह की जयंती, और पूर्णिमा का प्राकट्य श्री राधारमण लाल जी की भी प्राकटोत्सव की तिथि। तो अभी तो जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के द्वादश शिष्यों में अधिकांश आचार्य वैशाख मास में प्रकट हुए,
उनकी तो हमें गिनाई नहीं तो स्वामी जी के द्वादश शिष्यों में कम से कम 6-7 शिष्यों की जयंती, अब चैत्र पूर्णिमा को पीपा जी की जयंती, फिर वैशाख कृष्ण पक्ष में सेन जी की जयंती, धना जी की जयंती, सब जयंतियां। तो ऐसा पवित्र मास है कि हम इसको यदि जयंती मास कहें, क्योंकि पूरे वर्ष में इतनी जयंतियां किसी महीने में नहीं होती हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज श्री गौरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का स्मरण करके, श्री सूरदास जी का स्मरण करके और श्री आचार्य जयंती को स्मरण किया, मनाया। सुख संप्रदाय में एक सुख संप्रदाय भी है जिसकी पीठ दिल्ली में भी है और जयपुर में तो सरस कुंज, वहाँ की सरस उपासना का एक प्रधान पीठ है, जहाँ आज भी सरस बिहारी बिहारी जी की अष्टयाम सेवा होती है। श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज अपने काल के महान रसिक आचार्य, अद्भुत जीवन चरित्र है उनकी, वाणी, उनके पद, उनका दैन्य और उनका आचार्यों के प्रति प्रेम, सभी संप्रदाय के सभी आचार्यों के प्रति उनका प्रेम। आप किसी से विचार कर लें कि एक महीने से भी कम समय रहा था श्री सरस माधुरी जी के निकुंज प्रवेश में, और श्री गौरांग महाप्रभु उन्होंने आकर स्वप्न में उनको दर्शन दिया और हंसते हुए कहा कि आपने सब आचार्यों की बधाई ली, मेरी बधाई नहीं, अब मेरा उत्सव नहीं मनाएंगे। आज भी श्री महाप्रभु जी के अवतरण का उत्सव वहां मनाया जाता है, वो तो बड़ी प्यारी महाप्रभु जी की बधाई श्री सरस माधुरी शरण जी ने दी। ये इसलिए मैं कहा कि ऐसा उनका आचार्यों का, भगवान का ऐसा अनुग्रह उन्हें प्राप्त था। तो वहां एक वहां की वाणी में एक पंक्ति है, जो हाथी के खोज में सकल समावत को त्यों आचार्य उत्सव में सब उत्सव की हो। सर्वे पदा हस्ति पदे विमग्ना, हाथी के पैर में सब पैरों के चिन्ह समा जाती हूँ, हाथी के जितना बड़ा पैर किसी का नहीं होता। ऐसे ही किसी संत की, महापुरुष की, भक्त की, रसिक की, आचार्य की स्मृति में आप उत्सव मनावे, निकुंज महोत्सव मनावे, तो सभी उत्सव आचार्य उत्सव में हाजिरी देने आ जाते हैं। अब पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी का निकुंज उत्सव हो रहा है, हित महाप्रभु की बधाई तो चली रही है। आज हमको आने में विलंब हुआ है क्योंकि ऐसा ही अपना ही प्रमाद है,